दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं बनाने जा रही हूँ चोखा। तो चोखा बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये एक बड़ा बैंगन, और ले लिए हैं 3 बॉइल्ड आलू, 2 ले लिए हैं मीडियम साइज के टमाटर, और ले लिया है ये सरसों का तेल। ये देखिए, ये सरसों का तेल ले लिया है, और ये ले लिया है मैंने कटा हुआ हरा धनिया, इसको मैंने साफ करके धो लिया है। ये ले ली हैं 2 मीडियम साइज की प्याज, इसको मैंने काट के ले लिया है। ये ले ली हैं 2 से 3 हरी मिर्चें, इन्हें भी काट लिया है। ये ले लिया है नींबू का रस, इसके अलावा ले लिया है 1/3 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और नमक ले लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो सबसे पहले हम बैंगन को गैस पे डायरेक्ट भून लेते हैं। लगा देती हूँ ये ऑयल, तो इस तरीके से मैं ऑयल लगा देती हूँ पूरे बैंगन पे। तो ये देखिए, मैंने पूरे बैंगन पे ऑयल लगा दिया है अच्छी तरीके से। ऑयल लगाने से होता ये है कि ये अच्छी तरीके से सिक जाता है और कम समय में सिक जाता है। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो इसको सिकने में काफ़ी टाइम लगता है। चोखा बनाने के लिए आप चाहें तो बैंगन को बॉयल भी कर सकते हैं, मेरे को इस तरीके से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप इस तरीके से एक बार ट्राई कीजिएगा, चोखा बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने बीच में से इसको काट लिया है ये देखने के लिए कि कहीं इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। इसी तरीके से हम इस साइड से भी काट लेते हैं, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये एकदम साफ है या नहीं। तो ये देखिए, हमने सब तरफ से काट के इसको देख लिया है। बस अब गैस जलाना है और इसको सिकने के लिए उसके ऊपर रख देना है। देखिए, मैंने गैस जला दी है, अब इसको इस तरीके से मैं रख देती हूँ और बीच बीच में पलट पलट के इसको सेकती रहूँगी। बस इसी तरीके से जब बैंगन भुन जाएगा तो ये जो 2 टमाटर मैंने लिए हुए हैं, इन पे भी ऑयलिंग करके और इसको भी गैस पे रख के मुझे भून लेना है। तो बस इसको भी भून के और बैंगन को भून के इनके छिलके उतार के रख लेना है। जब तक एक तरफ बैंगन भुन रहा है, मैं दूसरी गैस पे ये टमाटर रख देती हूँ और इसको भी भुनने देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ चोखा बना रही हूँ, लेकिन चोखा जो है स्पेशली बाटी और लिट्टी, इन दोनों चीज़ों के साथ खाया जाता है। ये यूपी और बिहार का बहुत ही फेमस फूड है। आप चाहें तो मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बनाया हुआ है लिट्टी और बाटी और चोखा। ये पूरी थाली मैंने तैयार की हुई है। देखिए, टमाटर हमारे भुन चुके हैं, बस टमाटर को इतना ही भूनना है। ये देखिए, टमाटर भुन चुके हैं, तो इसे अलग कर लेते हैं। बैंगन भी हमारा होने ही वाला है। ये देखिए, बैंगन भी हमारा भुन चुका है। बस अब इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। तब तक मैं ये टमाटर छील लेती हूँ। टमाटर का ऊपर का ये वाला पार्ट काट लेना है, इसको इस तरीके से काट लेना है और इसका छिलका उतार लेना है इस तरीके से। बहुत आराम से उतर जाएगा। ये देखिए, बस इसको उतार लेना है। इसी तरीके से मैं दूसरे टमाटर का भी छिलका उतार लेती हूँ। टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया है, अब इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे काट लेना है। इसी तरीके से मैं दोनों टमाटर काट लेती हूँ। टमाटर मैंने काट लिए हैं, अब बैंगन का ये वाला पार्ट हटा के बैंगन को भी छील लेते हैं। तो इसको भी छील इस तरीके से छील लेना है। ये देखिए, बैंगन का मैंने छिलका उतार लिया है, अब इसको इस तरीके से मैश कर लेते हैं और इसी में डाल देते हैं ये आलू, और इनको भी मैश कर लेना है इसी तरीके से। मैं ये आलू भी मैश कर लेती हूँ और ये सारा आपस में मिला के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मैंने बैंगन और आलू को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इसमें मिला देती हूँ मैं ये टमाटर और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मिला देते हैं ये कटा हुआ धनिया और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये हरी मिर्च जो मैंने काट के ली हुई है, 2 चम्मच ले लूंगी मैं इसमें नींबू का रस,
और इसको सबको अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेते हैं। ये सभी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं ये मसाले। आधा चम्मच डाल देती हूँ जीरा पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर और नमक, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब मिला देती हूँ मैं इसमें ये सरसों का तेल, ये कच्चा ही है, इसमें कच्चे सरसों के तेल का ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ट्रेडिशनली इसमें कच्चा तेल ही डाला जाता है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं या थोड़ा पका हुआ तेल डाल सकते हैं, लेकिन इसमें इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें ये तेल भी मिक्स कर लिया है और सब चीजों को अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब इसमें मिला देते हैं ये कटी हुई प्याज, और इसको भी मिक्स कर लेना है। और चोखा बिल्कुल तैयार है। अब इसको लिट्टी या बाटी के साथ सर्व करिए, या इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। एक बार आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए चोखा हमारा बन चुका है। ये देखिए चोखा बन के बिल्कुल तैयार है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और बनता भी बहुत जल्दी है। एक बार आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।